गूगल प्ले स्टोर से अभी दक्षम ऑफिसर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें तथा दी गई परीक्षाओं में अपनी सफलता सुनिश्चित करें और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। चलिए नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है एडजेक्टिव। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एडजेक्टिव होते क्या हैं। तो एडजेक्टिव आर द वर्ड्स विच क्वालिफाइज द नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो शब्द हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हों। हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मैंने कहा राम वॉज एन ओबीडियंट सन। राम एक आज्ञाकारी पुत्र थे। तो सन हमारा क्या है यहां पे? नाउन। और इस नाउन की विशेषता क्या है कि कैसे पुत्र थे? आज्ञाकारी। तो जो इस नाउन की विशेषता बताए वो हमारा क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के कुछ रूल्स देख लेते हैं। सबसे पहले रूल में हम देखते हैं कि एडजेक्टिव के साथ में हम एज का यूज कब करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सी इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। तो जब हम दो एडजेक्टिव के बीच में कंपैरिजन कर रहे हों और दोनों एडजेक्टिव सेम क्लास से हों या सेम कैटेगरी के हों, तब आप उसके साथ में क्या यूज करेंगे? एज। जैसे शी इज एज ब्यूटीफुल, यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव। एज हर सिस्टर, तो हर सिस्टर की क्या बताई जा रही है? विशेषता कि वो उतनी सुंदर है जितनी कि उसकी बहन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं, ही इज नॉट एज टॉल एज हिज ब्रदर। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि कह रहा है ही इज नॉट एज टॉल एज हिज ब्रदर। तो क्या ये सेंटेंस सही है? कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन इसमें एक छोटी सी गलती है। यहाँ पे एज की जगह आ जाएगा सो। अब ऐसा क्यों करा? अब आप ध्यान रखिएगा कि जब हम दो पॉजिटिव चीज़ों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हों तो तब हम एज का यूज़ करेंगे, लेकिन जब हम दो डिफरेंट चीज़ों के बीच में या नेगेटिव चीज़ों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हों तो हम सो और एज का यूज़ करेंगे। मैंने कहा ही इज़ नॉट एज टॉल एज हिज ब्रदर, तो एज यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ही इज नॉट सो टॉल एज हिज ब्रदर। चलिए नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। एडजेक्टिव के साथ में हम देन का यूज कैसे करते हैं, एक बार वो पढ़ लेते हैं। देखिए, जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करें, कंपैरेटिव डिग्री, जब भी हम दो नाउन का या दो एडजेक्टिव का कंपैरिजन कर रहे हो तो वो कंपैरिजन दिखाने के लिए हम देन का यूज करते हैं। मैंने कहा एन एलिफेंट इज बिगर देन अ काउ। तो हम कह रहे हैं कि जो एलिफेंट है, हाथी, वो बड़ा होता है किससे? गाय से। तो कंपैरिजन दिखाने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? देन का। अ रिवर इज वाइडर देन अ स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? झरना। तो जो रिवर है वो किससे बड़ी होती है? एक झरने से। तो हमने क्या यूज करा? देन का। नेक्स्ट रूल की हम बात करते हैं। लेकिन अगर हमारा कंपैरिजन दो से ज़्यादा में हो या हमें बहुत सारे लोगों में से एक को सेलेक्ट करना हो तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करने के लिए, सुपरलेटिव जो सब में से एक का सिलेक्शन करने के लिए या बहुत सारों में से सिलेक्शन करने के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। तो इसलिए मैंने लिख रखा है यहाँ पे 2+, कि अगर आप मोर देन 2 से कोई सिलेक्शन कर रहे हैं तो आप वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। देखिए, पहला हम यूज़ करते हैं सुपरलेटिव में द और ऑफ का या द और इन का। जैसे ही इज़ द टोलेस्ट, तो टोलेस्ट मतलब सबसे लंबा, ऑफ ऑल वो सबसे लंबा है। ठीक है, एंड शी इज द टोलेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो ऑफ और इन में क्या डिफरेंस हुआ? जब आप किसी को लिमिटेड कर दें, डेफिनेट कर दें, कहीं निश्चित अवस्था में उसको बता दें तो तब उसके साथ में आप इनका यूज करेंगे। जब आप कोई क्राइटेरिया इस तरीके से डेफिनेट ना रखें तो आप ऑफ का यूज करेंगे। जैसे आपने कहा ही इज द टोलेस्ट ऑफ ऑल, वो सबसे लंबा है, तो आपने यहाँ पे कोई कंपैरिजन तो नहीं रखा ना इस तरीके का, क्लास की बात कर रहे हैं आप, फैमिली की बात कर रहे हैं, तो तब आप ऑफ का यूज़ करेंगे। आगे आपने कहा शी इज़ द टोलेस्ट, तो दा तो आपको करना ही है। दा हम ध्यान रखिएगा सुपरलेटिव डिग्री से पहले
द का यूज़ करते हैं, लेकिन इनका यूज़ हम कब करेंगे, इनका यूज़ हम करेंगे जब हम एक डेफिनेट कोई क्राइटेरिया ले रहे हों उसके साथ हम इनका यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल की हम बात करते हैं। अगर किसी रूल किसी सेंटेंस में हमें पैरेलली कोई चीज़ इंक्रीज, मतलब दो चीज़ें दे रखी हैं जिनका हम कंपैरिजन कर रहे हैं, दोनों ही या तो बढ़ रही हो या दोनों ही घट रही हो, तो तब हम उसके साथ में कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ कैसे करते हैं। तो तब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे द प्लस कंपैरेटिव और द प्लस कंपैरेटिव दोनों में। एक चीज़ का आप ध्यान रखें, जैसा कि अभी मैंने पिछले रूल में बताया कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज़ करते हैं, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं। केवल ये कंडीशन है जहाँ पर हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी द का यूज़ करते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ों को हम दोनों को बढ़ता हुआ या दोनों को घटता हुआ दिखा रहे हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, कहा द हायर यू गो द कूलर यू फील, तो दोनों जगह पर आपको क्या यूज़ करना है, डेफिनेट आर्टिकल द। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे ठंड बढ़ती जाएगी, तो इस तरह के और जो आर्टिकल्स आप यूज, सॉरी और जो एडजेक्टिव आप यूज़ करेंगे, द मोर द मैरियर, इस तरीके से जो आप यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ही तरफ कंपैरेटिव डिग्री के साथ में द लेना पड़ेगा। पहली बात तो दोनों जगह कंपैरेटिव डिग्री लेनी है और उसके साथ में दोनों जगह पर द होना चाहिए। सुपरलेटिव की बात करते हैं, कुछ यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं जो अटमोस्ट पॉसिबल एक्सटेंट तक ये दिखाते हैं कि वो अपने आप में या तो यूनिक हैं या सुपरलेटिव दिखाते हैं अपने आप को, तो उनके साथ में हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे परफेक्ट, एक्सट्रीम, आइडियल, कंप्लीट, इम्पॉसिबल, यूनिवर्सल, चीफ, इनफाइनाइट, फुल, यूनिक, अनेमियस, एंटायर, प्रेफरेबल, ईटीसी, और भी वर्ड हैं जो इस तरह के होते हैं, आप केवल मीनिंग समझिए। जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज़ मोर कम्प्लीट पिक्चर ऑफ अ पर्सन, तो कम्प्लीट अपने आप में संपूर्ण है, कैसी पिक्चर है, संपूर्ण है, तो उसके साथ में हम मोर का यूज, मोर या मोस्ट का यूज नहीं करेंगे। तो ये वर्ड वो है जिनके साथ में हम सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री इस तरह का यूज नहीं करेंगे। पिक्चर ऑफ अ पर्सन, अभी जैसे मैं बात कर रहा था यूनिक, अब यूनिक का मतलब क्या होता है, यूनिक मतलब उसके जैसा कोई दूसरा ना हो, ठीक है, तो आप मोस्ट यूनिक तो नहीं बोल सकते ना किसी चीज को, फिर जो यूनिक है उसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, तो आपको मोस्ट लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। जो इनफाइनाइट है, अनंत है, तो उसमें आप मोस्ट इनफाइनाइट, मोर इनफाइनाइट तो आप यूज नहीं कर सकते ना, जो अनंत है वो अनंत है, ठीक है। ऐसे फुल, ये जो भी वर्ड आपके लिखे हुए हैं, यूनिवर्सल, कंप्लीट, आगे कुछ और वर्ड ऐसे होते हैं जैसे सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ठीक है, तो उनके साथ में भी आप सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करेंगे। कभी कभी आपके एग्जाम में ये गलती वो दे देता है, जैसे यहाँ पे उसने इन वर्ड से पहले क्या यूज़ कर रखा है, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल की हम बात करते हैं, एडजेक्टिव के साथ में हम टू का यूज़ करते हैं, उसके लिए एक बार देख लेते हैं कहाँ पर हम टू का यूज़ करते हैं। देखिए अभी हम पढ़ते आ रहे थे, लास्ट रूल में हमने यहाँ पे पढ़ा था कि कंपैरेटिव डिग्री में दो चीज़ों को कंपैरिजन दिखाने के लिए हम देन का यूज़ करते हैं, लेकिन इस रूल में कंपैरिजन दिखाने के लिए हम टू का यूज़ करते हैं। तो सर ऐसा चेंज क्यों आया कि हम यहाँ पे टू का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे देन का यूज़ कर रहे हैं, और कैसे हम याद करें, तो आप केवल ध्यान रखें कि जिन वर्ड्स में आई ओ आर आ रहा हो लास्ट में, तो मोस्ट ऑफ द वर्ड में वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, एडजेक्टिव के बाद में हम टू का यूज़ करेंगे। जैसे जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर, तो इन सब वर्ड के साथ में हम टू का यूज़ करेंगे। अब एग्जाम में कैसे गलती देगा वो, उसने कहा ही इज़ जूनियर देन मी, अब बात तो ठीक है वो मेरे से जूनियर है, लेकिन यहाँ पे अभी हम लोगों ने रूल पढ़ा कि नॉर्मल कंपैरेटिव डिग्री में हम देन का यूज़ करते हैं, जैसा कि हम वहाँ पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो इन वर्ड में आई ओ आर करके आ रहा हो कंपैरेटिव डिग्री में, वहाँ पे हम देन का यूज़ ना करके टू का यूज़ करते हैं। आई एम इन्फीरियर देन नन, मैं किसी से कम नहीं हूँ, तो यहाँ पे इन्फीरियर देन की जगह आप क्या करेंगे, इन्फीरियर टू नन। चलिए आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल में ये बात कर रहा है मैनी की और मच की। हम मैनी और मच को कहाँ यूज़ करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए मैनी की हम जब भी बात करें तो हम मैनी का यूज़ करेंगे काउंटेबल के साथ में। काउंटेबल का मतलब जिन चीज़ों को हम गिन सकें,
मच का हम जब भी यूज करेंगे हम यूज करेंगे क्वांटिटी के साथ में या अनकाउंटेबल के साथ में, जिन चीजों को हम ना गिन सकते हो। जैसे मैंने कहा आई हैव मैनी चेयर्स, तो चेयर्स आर काउंटेबल, चेयर्स को आप गिन सकते हैं, तो आप मैनी का यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में कहा शी हैज मच नॉलेज, अब जो नॉलेज है वो हमारी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, नॉलेज को हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए हम नॉलेज के साथ में क्या यूज करेंगे, मच का यूज करेंगे। सेम फॉर द फीवर, फ्यूअर एंड लेस, जो काउंटेबल होता है उसके साथ में हम फीवर का यूज करते हैं और जो अनकाउंटेबल होता है उसके साथ में हम लेस का यूज करते हैं। फीवर और लेस का मतलब क्या हो जाएगा, हम कम के लिए यूज करते हैं, ठीक है। जैसे नो फीवर देन 50% डाइड इन द फायर, कि 50 लोगों से कम नहीं मरे थे आग में, तो यहाँ पे 50 लोगों की बात कर रहा है विच आर काउंटेबल, जिन्हें हम गिन सकते हैं, तो उसके लिए हमने क्या यूज करा, फीवर। वी डू नॉट सेल लेस देन 5 लीटर ऑफ मिल्क, तो मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल है, या तो आप कहें कि अनकाउंटेबल है, या दूसरी कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि आप क्वांटिटी की बात करेंगे, यहां पे आप नंबर की बात कर रहे हैं, नंबर की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आप अनकाउंटेबल में क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो आप क्या यूज करेंगे, फीवर का, सॉरी लेस का यूज करेंगे, लेस फॉर द क्वांटिटी या अनकाउंटेबल, फीवर फॉर द काउंटेबल या नंबर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्यू की और लिटिल की। तो फ्यू का मतलब भी कम होता है, लिटिल का मतलब भी कम ही होता है, तो डिफरेंस क्या है। सर देखिए डिफरेंस तो सेम ही है, जब अनकाउंटेबल की बात हो तो आप लिटिल का यूज करेंगे, और जब काउंटेबल की बात हो तो आप फ्यू का यूज करेंगे। सेम काउंटेबल अनकाउंटेबल, काउंटेबल जहां पे आप नंबर्स की बात कर रहे हो, अनकाउंटेबल जहां पर आप क्वांटिटी की बात कर रहे हो। यहां तक क्लियर है बात। अब आगे बात करते हैं कि सर चलिए समझ आ गया, फ्यू का हम कम के लिए यूज करते हैं और काउंटेबल के लिए यूज करते हैं, लेकिन फ्यू में भी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, अगर कहीं पे ये लिखा आ रहा है तो इनका क्या मतलब है। तो देखिए फ्यू अगर कहीं पे लिखा हुआ आ रहा है तो सबसे पहले बात ये आपको बता दिया गया है कि नंबर के लिए, काउंटेबल के लिए यूज होगा। तो फ्यू अगर लिखा हुआ कहीं पर आ रहा है तो उसका मतलब है कि कोई नंबर बहुत ज्यादा कम है, आप उसको नेगेटिव सेंस में ले रहे हैं, कह रहे हैं ना के बराबर। तो यहां पर फ्यू का सेंस क्या हो जाएगा, ना के बराबर, मतलब इतना कम कि आप उसको ये मानेंगे कि है ही नहीं वो चीज। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, कह रहा है द टीचर डिड नॉट टेक द क्लास बिकॉज देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स, देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स, टीचर ने क्लास नहीं ली क्योंकि क्लास में बहुत ही कम बच्चे थे, ना के बराबर। मान लिया 50 बच्चों की स्ट्रेंथ है क्लास में और क्लास में बैठे हुए हैं 2 बच्चे, तो टीचर बाकी बच्चों का नुकसान ना हो तो इसलिए टीचर ने क्लास नहीं ली। अब हम बात करते हैं आफ्यू की। आफ्यू का क्या मतलब होता है, आफ्यू का मतलब होता है कम लेकिन पॉजिटिव सेंस में हम इसको लेते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, कह रहे द टीचर टुक द क्लास बिकॉज देयर वर आफ्यू स्टूडेंट, आफ्यू स्टूडेंट्स, टीचर ने क्लास ली क्योंकि थोड़े स्टूडेंट तो थे, ठीक है। मान लिया एग्जाम्स आ रहे हैं, 10 बच्चों की क्लास है और क्लास में बच्चे बैठे हुए 5, तो टीचर को क्लास लेनी चाहिए क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं, तो जो बच्चे नहीं पढ़ना चाह रहे हैं वो तो आए नहीं क्लास में, लेकिन जो पढ़ना चाह रहे हैं वो तो आए हुए हैं ना। तो अगर आप पॉजिटिव सेंस में बात कर रहे हैं कि कुछ तो थे, जो थोड़े भी थे तो टीचर ने उनकी भी क्लास ली, तो डिफरेंस क्या है यहाँ पे फ्यू और आफ्यू में, यहाँ पे नेगेटिव सेंस होता है फ्यू में और आफ्यू में आपका पॉजिटिव सेंस होता है। लेकिन सर तीसरा एक वर्ड आता है द फ्यू, फिर इसका क्या मतलब बनता है। देखिए अगर फ्यू आ रहा है तो फ्यू का मतलब होगा तो कम ही, लेकिन अगर द फ्यू आ रहा है तो इसका मतलब होगा कि जो भी है सारा, मतलब कम है लेकिन सारा। एग्जाम्पल से समझते हैं, द फ्यू स्टूडेंट्स विच वर प्रेजेंट इन द क्लास वॉज टॉट बाई द टीचर, ठीक है, कि 20 बच्चों की क्लास थी, 5 बच्चे ही क्लास में आए हुए हैं, लेकिन जो भी आए हैं
कम आए हैं, लेकिन जो भी आए हैं सारे आए हैं, टीचर ने उनको पढ़ाया। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है तीनों में? फ्यू का मतलब ना के बराबर नेगेटिव सेंस में, आ फ्यू का मतलब पॉजिटिव सेंस में, वो भी कम के लिए, और दा फ्यू का मतलब कम है लेकिन सारे। सेम हम बात करते हैं लिटिल की, आ लिटिल और दा लिटिल की। जो बात हमने यहाँ पे फ्यू के लिए करी, सेम हम यहाँ पे लिटिल, दा लिटिल और आ लिटिल के लिए करेंगे। केवल फ्यू और लिटिल में डिफरेंस क्या है? वहाँ पे हम क्या ले रहे थे? काउंटेबल। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल। वहाँ पे आप ले रहे थे नंबर, यहाँ पे आप क्या लेंगे? क्वांटिटी। ठीक है, जैसे बात करते हैं लिटिल की, तो लिटिल का मतलब बहुत कम, मतलब नेगेटिव सेंस, ना के बराबर। आपने कहा ही स्लेप्ट लिटिल एंड फेल्ट टायर्ड। वो बहुत कम सोया, मतलब ना के बराबर ही सोया, और क्या हो गया? थक गया। ठीक है, दूसरे में हम बात कर रहे हैं आ लिटिल, मतलब है कम लेकिन पॉजिटिव सेंस में। तो यहां पे आप लेंगे पॉजिटिव सेंस में, जैसे इसने कहा एग्जांपल से ही स्लेप्ट अ लिटिल एंड फेल्ट रिप्रेस, कि वो थोड़ा ही सोया था। देखो ऊपर भी आप थोड़े की बात कर रहे हैं, यहां पर भी आप थोड़े की बात कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी आप क्या करते हैं कि 5 मिनट 10 मिनट के लिए आप सोते हैं और आपको कैसा रिफ्रेश एकदम फील होता है, तो उसी नींद की ये बात कर रहा है। कह रहा है ही स्लेप्ट अ लिटिल, वो बहुत कम सोया लेकिन वो फिर भी रिफ्रेश उठा। तो जब आपका सेंटेंस पॉजिटिव सेंस में जा रहा हो तो आप क्या करेंगे? आ लिटिल का यूज़ करेंगे। जब भी आप इस तरह की छोटी नींद की बात करें तो आप उसको बोलते हैं नैप। ठीक है, नैप का मतलब होता है जबकि। ठीक है, और जो आप दोपहर में सो जाते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए, तो उसको बोला जाता है सीएस्टा। सीएस्टा मतलब दोपहर की नींद। चलिए आगे बात करते हैं दा लिटिल। दा लिटिल मतलब वही क्वांटिटी में कम लेकिन सारा। द लिटिल इन्फ्लुएंस ही हैज, जो भी उसका थोड़ा बहुत प्रभाव था। उसका प्रभाव था कैसा था? बहुत कम था, लेकिन जो भी था सारा। ही यूज द बेस्ट एडवांटेजेस, उसने उसका बखूबी फायदा उठाया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं ईच और एवरी की। कहाँ पर हम ईच का यूज करेंगे, कहाँ पर हम एवरी का यूज करेंगे? देखिए एग्जाम्पल से समझें। ईच वन ऑफ द टू बॉयज वॉज रॉन्ग, दोनों लड़कों में से हर एक गलत था। तो प्रत्येक की हम जब बात करें तो आप ईच का यूज करेंगे। दूसरी कंडीशन हमें क्या ध्यान रखनी है कि टू बॉयज क्या है हमारे लिए? काउंटेबल्स हैं, काउंटेबल है, तो तब आप ईच का यूज करेंगे। एवरी की बात करें, एवरी का मीनिंग भी प्रत्येक ही होता है, हर एक या प्रत्येक, लेकिन यहां पे जो आपकी क्वांटिटी होगी वो क्या हो जाएगी? वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। जैसे शी रीड्स एवरी बुक इन द लाइब्रेरी। अब यहां पे ईच बुक ना यूज करते हैं, हमने एवरी बुक का यूज करा। एवरी बुक ऑफ द लाइब्रेरी का मतलब है लाइब्रेरी में ऑफकोर्स एक दो किताबें तो होंगी नहीं, है ना, काफी सारी किताबें होंगी, उसने सारी पढ़ दी। तो जब आपकी क्वांटिटी ज्यादा हो जाए तो तब आप एवरी का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल में डिफरेंस कर रहा है ओल्डर और एल्डर के बीच में, ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट के बीच में। ये दोनों कंपैरेटिव डिग्री हैं और ये सुपरलेटिव डिग्री हैं। लेकिन सर डिफरेंस क्या है? ओल्डर का मतलब भी बड़ा ही होता है और एल्डर का मतलब भी बड़ा ही होता है। अब बात करते हैं ना एल्डर ब्रदर, ठीक है, या ओल्डर ब्रदर, कौन सा सही है? एल्डर ब्रदर। चलिए अभी पढ़ते हैं डिफरेंस क्या होता है। देखिए दोनों का मतलब ही होता है उम्र में बड़ा, ओल्डर का मतलब बड़ा, लेकिन एल्डर में केवल डिफरेंस क्या होता है कि आपका जो बड़ा जिसकी आप बात कर रहे हैं उसके साथ में आपका ब्लड रिलेशन होना चाहिए, पारिवारिक संबंध हो, आपकी फैमिली से वो बिलोंग करते हो, तो उनके लिए आप एल्डर का यूज करेंगे। सेम फॉर द ओल्डेस्ट और एल्डेस्ट। एग्जांपल से समझते हैं, दिस बॉय इज ओल्डर देन दैट वन और एल्डर देन दैट वन। मैंने कहा ये लड़का उस दूसरे लड़के से बड़ा है, तो हम साधारण तौर पर यह कहना चाह रहे हैं कि ये लड़का बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे पारिवारिक संबंध और ब्लड रिलेशन तो कहीं नहीं बनता ना, तो हम क्या यूज़ करेंगे? ओल्डर का ही यूज़ करेंगे, ये हमारा सेंटेंस हो जाता है करेक्ट। अब यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस में मैंने कहा माय एल्डर ब्रदर इज कॉल्ड रमेश, मेरा बड़ा भाई को लोग क्या कहते हैं? रमेश, या उसका नाम क्या है? रमेश। तो यहाँ पे माय एल्डर ब्रदर, तो जो एल्डर है उसके साथ में ब्लड रिलेशन है, तो इसलिए हम यहाँ पे एल्डर का यूज़ करेंगे, सॉरी
यहाँ पे हम एल्डर का यूज़ करेंगे, ओल्डर का यूज़ नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे ओल्डर लिखा होता तो वो हमारा हो जाता गलत। करेक्ट यूज़ क्या है हमारा यहाँ पे? एल्डर। तो जब आप ब्लड रिलेशन की बात करें, किसी भी तरह का संबंध आप उससे दिखाएं, पारिवारिक संबंध दिखाएं, तो आप एल्डर का यूज़ करेंगे या एल्डेस्ट का यूज़ करेंगे सुपरलेटिव डिग्री में। और अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो ओल्डर का यूज़ करेंगे, अदरवाइज ओल्डेस्ट का यूज़ करेंगे सुपरलेटिव डिग्री में, केवल बड़ा दिखाने के लिए। आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट रूल में हम बात करते हैं यूज़ ऑफ सम की और एनी की। सम का मतलब भी कुछ और एनी का मतलब भी कुछ या कोई। चलिए देखते हैं। मैंने कहा आई हैव सम या एनी मैंगोज इन द बास्केट, तो क्या यूज़ करेंगे हम? तो पहले आप समझ लें कि सम और एनी का मीनिंग तो लगभग सेम होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है। सम को आप यूज़ करते हैं पॉजिटिव टेंस में प्लस इंटरोगेटिव टेंस में। इंटरोगेटिव मतलब जिसमें आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, लेकिन ध्यान से समझिएगा, इंटरोगेटिव टेंस में सेंटेंस में हम सम का यूज़ केवल तब करेंगे जब हम अपना जो आंसर है वो क्या चाह रहे हो, पॉजिटिव आंसर हम एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब यस में हम आंसर चाह रहे हो। एनी की बात करें तो एनी को हम यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंस में प्लस इंटरोगेटिव सेंस में। चलिए पढ़ते हैं। पहला एग्जांपल दिया हुआ है आई हैव सम एनी मैंगोज इन द बास्केट, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो आप सम का यूज़ करेंगे, एनी का यूज़ यहाँ पे हो जाता है गलत। नेक्स्ट बात करते हैं विल यू ब्रिंग मी सम वाटर, क्या तुम मेरे लिए पानी लेकर आओगे? तो यहाँ पे सम का क्या है, इंटरोगेटिव है, तो सम यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। लेकिन एक बात हमारी समझने की है कि सर यहाँ भी इंटरोगेटिव है एनी के लिए भी और सम भी इंटरोगेटिव के लिए आप बता रहे हैं। आप केवल ध्यान रखें कि सम हम केवल उस सेंटेंस में इंटरोगेटिव में यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हम ये एस्पेक्ट कर रहे हो कि हमारा जो आंसर आएगा वो क्या है, पॉजिटिव आएगा, हाँ में आएगा। अगर आप किसी से पानी लाने के लिए कह रहे हैं, इफ़ यू आर रिक्वेस्टिंग समवन टू ब्रिंग वाटर, आप किसी से पानी लाने के लिए कह रहे हैं, तो आप यही अपेक्षा करके कहेंगे ना कि वो लेकर आए, ऐसा थोड़ी कहेंगे कि पानी ना लेकर आए इसलिए मैं कह रहा था। तो आपकी अपेक्षा क्या है कि आपका जो काम है दैट शुड बी डन। अगर आपका काम होना चाहिए या आपका आंसर पॉजिटिव है तो तब आप सम का यूज इंटरोगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं। सम पीपल आर गोइंग टू टेम्पल, कुछ लोग मंदिर जा रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस है, आप सम का यूज कर सकते हैं। आगे बात करते हैं ही विल नॉट गेट एनी बुक, तो यहाँ पे एनी का यूज करेक्ट हो जाता है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है हमारा। हैव यू बोट एनी मैंगोज, अब यहाँ पे देखिए आपके पास चॉइस है, आप कहें हाँ जी मैंने खरीदे हैं या आप कहें नहीं खरीदे हैं, तो दोनों ऑप्शन आ गए ना। आप पूछ रहे हैं कि हैव यू बोट एनी मैंगोज, क्या आपने आम खरीदे हैं, कोई आम खरीदे हैं आपने, कुछ आम खरीदे हैं, तो यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप यस में आंसर दें या नो में आंसर दें, ठीक है, तो यहाँ पे आप एनी का यूज करेंगे। आई हैव नॉट एनी लेसन टू प्रिपेयर, मेरे पास कोई भी लेसन नहीं है तैयार करने के लिए, तो नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव साथ में आप एनी का यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल में हम बात करते हैं होल की एंड ऑल की। होल और एंड ऑल में क्या डिफरेंस है, दोनों का मतलब क्या होता है, सभी, सभी के लिए हम होल एंड ऑल का यूज करते हैं, लेकिन एक बस बेसिक सा डिफरेंस है, जब भी आप होल करें तो होल का यूज से पहले आपका जो डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होता है, ठीक है, तो डेफिनेट आर्टिकल जब भी यूज होगा वो होल से पहले यूज होता है। जैसे द होल क्लास वॉज एबसेंट, पूरी की पूरी क्लास या सभी क्लास के लोग एबसेंट थे, और ऑल के बाद में हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होता है, होल से पहले और ऑल के बाद, बस ये ध्यान रखना है। एग्जाम में क्या गलती दे देगा, होल द क्लास वॉज एबसेंट, तो वो गलत है हमारा, द हमारा आएगा होल से पहले, और द ऑल बॉयज वर एबसेंट वो भी हमारा गलत है क्योंकि द हमारा ऑल के बाद आता है, तो बस ध्यान क्या रखना है, होल से पहले द आएगा और ऑल के बाद द आएगा, ये दूसरा हमारा दूसरा भी करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट में ये कह रहा है ईच अदर और वन अनदर, क्या डिफरेंस होता है दोनों में, ईच अदर और वन अनदर में। देखिए जब आप दो लोगों के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है, वन प्लस वन, तो आप ईच अदर का यूज़ करेंगे, और जब आप दो से ज़्यादा के बारे में बात कर रहे हो तो आप वन अनदर का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, कह रहे हैं बोथ द ब्रदर्स वर क्वेरलिंग विद ईच अदर, दोनों भाई, तो दो ही लोग हैं ना यहाँ पे, वन प्लस वन, एक दूसरे से लड़ रहे थे, तो यहाँ पे हम एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे तो ईच अदर का यूज़ करेंगे।
और ऑल द बॉयज वर क्वेरलिंग विद वन अनदर, मतलब किससे झगड़ा कर रहे थे एक दूसरे से, और दो से ज्यादा लोग होंगे ना, ऑल द बॉयज सभी लोगों की बात कर रहा है, तो आप यहां पे क्या यूज करेंगे, वन अनदर, ठीक है, ईच अदर और वन अनदर का मतलब क्या हो गया, एक दूसरे के साथ या एक दूसरे से, लेकिन डिफरेंस क्या है, जब आप दो की बात करें तो ईच अदर का यूज करेंगे, जब आप दो से ज्यादा की बात करें तो वन अनदर का यूज करेंगे। चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही, बाकी डिग्रीज हम कल करेंगे, कल ही इसकी एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर की। मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूँ कि आप ये सारे रूल रिवाइज कर लेंगे, याद कर लेंगे, इन्हीं से आपके एग्जाम में अगर एडजेक्टिव का क्वेश्चन आना होता है तो यहीं से आएगा। थैंक यू।